हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्राइंगल शो में। आज के दिन हम एक और नई कंपनी का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, जो होने वाली है नमन इन स्टोर, जिसके बारे में हम आज की इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी की बेसिक से लेकर एडवांस फुल डिटेल स्टडी करने वाले हैं। बाय द वे, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमने इससे पहले वृद्धि इंजीनियरिंग वर्क्स के आईपीओ की रिव्यू वीडियो डाली थी, जिसका टाइम टेबल चेंज हो चुका है, जिसकी ओपनिंग डेट थी 21st ऑफ मार्च, बट टाइम टेबल चेंज होने की वजह से 26 मार्च को जो आईपीओ ओपन होने वाला है। बाय द वे, अगर हम बात करते हैं नमन इन स्टोर आईपीओ की, तो अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूँ फॉर एजुकेशन पर्पज, आज के दिन मैं कोई भी इसमें डिसीजन नहीं ले सकता, बिकॉज मार्केट का मूड माहौल अभी तक सुधरा नहीं है। बट अगर मार्केट का मूड माहौल सुधरता है तो मैं इस आईपीओ को अप्लाई कर सकता हूँ बींग ए हाईली अग्रेसिव होकर। अदरवाइज मैं इस आईपीओ को भी इजीली अवॉइड करने की कोशिश करूंगा अगर मार्केट का मूड माहौल तब तक नहीं सुधरता है तो। बाय द वे, आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन लीजिएगा। और मैं अपना फाइनल डिसीजन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बींग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2010 में, मतलब कि अच्छा खासा कंपनी के पास एक्सपीरियंस हो चुका है। काम की बात करते हैं तो ये रिटेल फर्नीचर एंड फिटिंग कंपनी होने वाली है, जो प्रोवाइड करती है रिटेल सॉल्यूशन टू वेरियस इंडस्ट्रीज एंड रिटेल आउटलेट। और उसी के साथ साथ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है मॉड्यूलर फर्नीचर फॉर ऑफिस, ब्यूटी सैलून, किचन विद लिमिटेड स्पेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड शेल्विंग सॉल्यूशन फॉर सुपरमार्केट। कंपनी आल्सो मैन्युफैक्चरिंग करती है कस्टमाइज फर्नीचर एंड फिक्चर्स इन वुड, मेटल, प्लास्टिक फॉर कियोस्क, कंप्लीट स्टोर्स, काउंटर टॉप यूनिट्स, काउंटर टॉप डिस्प्ले यूनिट्स, पॉइंट ऑफ सेल, मर्चेंडाइजिंग। और कंपनी B2B मॉडल में भी काम करती है। अगर हम कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करते हैं, तो वो होने वाली है महाराष्ट्र में, और कंपनी के दो वेयर हाउस भी होने वाले हैं, जो महाराष्ट्र एंड बेंगलोर में होने वाले हैं। कंपनी का नेटवर्क की अगर हम बात करें, तो ऑल इंडिया नेटवर्क कंपनी का होने वाला है, और कंपनी सर्व कर चुकी है अप्रोक्सीमेटली 32 रिटेल कस्टमर एंड 4 इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को, जो एक अच्छा पॉइंट हो जाता है एज ऑफ सितंबर 30, 2023। एज ऑफ सितंबर 30, 2023 कंपनी के पास 491 एम्प्लॉयज होने वाले हैं। काम वाइज कोई भी दिक्कत नहीं है और वहां पर एक अच्छा काम कंपनी का होने वाला है। हाँ, अगर कंपनी सिर्फ सप्लाई करने का काम करती, मतलब कि थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग करवाकर बेचती, तो वहां पर हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी, बट जहां पर कंपनी खुद भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो हमारे लिए एक एडिशनल पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं, तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 22nd ऑफ मार्च को, क्लोज होगा 27th ऑफ मार्च को, अलॉटमेंट होगी 28th ऑफ मार्च को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 1st ऑफ अप्रैल से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ फ्लोटेड 1st ऑफ अप्रैल को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 2nd ऑफ अप्रैल की, फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड रहेगा 84 से 89 रुपीज पर शेयर का, 1600 शेयर का एक लॉट होने वाला है, टोटल इशू साइज है 25.35 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू एनएससी के एसएमई पोर्टल पर, ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अभी तक हमें कंपनी में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। अगर हम इसके कोटा की बात करते हैं, तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल का 35% का और एचएनआई का 15% का होने वाला है। रिटेल कैटेगरी में 1,16,000 शेयर्स का रहने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,42,400 रुपीज की। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,84,800 की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं, तो राजू प्लेजा, बाविका प्लेजा, जय शाह, मेहुल नाइक एंड अब्दुल शाहिद शेख कंपनी के प्रमोटर होने वाले, प्री इशू होल्डिंग थी 100% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर टोटल असेट 2021 में थे 16 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2023 तक पहुंच चुके थे 55.98 करोड़ के, एक अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू की बात करते हैं, 2021 में था 13.41 करोड़ का, 2022 में 51 करोड़ का, 2023 में 150 करोड़ का और पहले 6 मंथ ऑफ 2024 में 79 करोड़ का, काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 5 लाख का, नेक्स्ट ईयर 21 लाख का, 2023 में 3.81 करोड़ का और पहले 6 मंथ में 6.18 करोड़ का, फिर से काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ की बात करते हैं, तो 12 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं एज ऑफ 30 सितंबर 2023। रिजर्व एंड सरप्लस में 2023 तक 4.88 करोड़ का था,
टोटल बोरिंग कंपनी के पास होने वाली 31 करोड़ की जो 10 करोड़ से इंक्रीज होते थे पहुंच चुकी है। अगर हम फाइनेंशियल्स की फिगर को देखते तो वहां पर काफी अल्टीमेट फाइनेंशियल होने वाले जिस तरीके से कंपनी अपने फाइनेंशियल्स को इंक्रीज कर रही है, बट एकदम से इतना ज्यादा इंक्रीज होना 2023 में और पहले 6 मंथ में थोड़ा सा वहां पर हमारे मन में काफी ज्यादा शंकाएं पैदा कर देता है और वो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि ऐसे फिगर्स रियल में होने भी वाले हैं या फिर सिर्फ कागजों में होने वाले हैं। बट जिस तरीके के फिगर हमें यहाँ पर कंपनी ने शो किए हैं वो काफी जबरदस्त होने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वहां पर इनको फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है ताकि ये एक्वायर कर सके लैंड ऑन लीज होल्ड बेसिस एट बुट्टीवरी MIDC एंड शिफ्ट कर सके कंपनी की एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को। सेकेंडली इनको कंस्ट्रक्शन करनी है फैक्ट्री बिल्डिंग की एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की तो वहां पर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 93.88 करोड़ की, रिटर्न ऑन इक्विटी 69% की काफी अच्छी है, ROCE 24.51% की काफी अच्छी है, RONW 51.42% की काफी जबरदस्त है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.04 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 7.81 का ठीक ठाक होने वाला इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। EPS की बात करें प्री IPO 4.96 की, पोस्ट IPO 11.73 की, PE की बात करते हैं प्री IPO 17.95 की, पोस्ट IPO 7.58 की। अगर हम ओवरऑल में फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल वहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं, इतनी मेजर दिक्कतें कोई भी देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम कंपनी के GMP की बात करते हैं तो काफी अच्छा GMP हमें देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 56% के करीब का, जो फिलहाल की मार्केट कंडीशन को देखते हुए हमें काफी अच्छा भी देखने को मिल रहा है। बट अगर हम बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन वाइज, अगर हम 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो यहाँ पर ये IPO हमें सस्ता नहीं आ रहा है, मतलब कि ना ही महंगा आ रहा है ना ही सस्ता आ रहा है, फुली प्राइस होने वाला है। और ऐसे में किस तरीके से रहता है मार्केट का मूड मोल, किस तरीके से रहती है डिमांड, तो उन सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए, रैंकिंग को भी इंक्लूड करते हुए, जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट जहां पर हमने जितना भी चीज़ें डिस्कस करी हैं वो सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव करी हैं, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा और अपने एक्शन को कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और उसी के साथ साथ देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।